मुंगेली में अवैध नशाखोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जिले में लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी नशाखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। क्षेत्र में नशाखोरी का अवैध गोरखधंधा का कारोबार अनेक गांव में हो रहा है। लंबे समय से मिल रही अवैध शराब की बिक्री की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी डीआर आंचला ने निर्देशन और उसके साथ ही पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब, जुआ सट्टा और नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि फास्ट फूड पुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमतरा में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाली गई। पुलिस ने सक्रियता से क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हमन महिला मन केहन चलो, हमन महिला मिलके सुधारक करबो, यही सोच के हमन है जिला पंचायत अध्यक्ष दीदी मेर गेन कि हमार कुछ साथ दे दीदी, हमार गांव में ऐसे ऐसे होवत है, ऐसे कही कि हमन है गेन, तो दीदी है हमार मन के साथ दे है और यदि आज आए भी है और हमार मन के साथ दे है, बहुत अच्छा भाषण दिए है, फिर बात भी बताए है। कल दिनांक को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री के संबंध में निकले थे हमारा स्टाफ के, तो मुखबिर से सूचना मिला कि गोरखपुर रोड के पास एक व्यक्ति बैग में शराब लेकर जा रहा है। फिर जाके गवाहों के समक्ष उनको तस्दीक किए तो उनके बैग में 42 पाव देसी प्रेम मदिरा मिला, जिसे पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज वो पेश नहीं किए। तत्काल उसे थाना लेकर आए और 34-2-59 का के तहत